खबर आपको रायपुर से दे दें। सखी सेंटर से बाहर आई हैं अंजलि जैन। जी हां, अंजलि जैन ने इब्राहिम खान से शादी की थी और इसी बात को लेकर लगातार विवाद हुआ था। आपको दरअसल पूरा मामला बताते हैं। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अब सखी सेंटर से बाहर आई हैं अंजलि जैन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपनी मर्जी से किसी के साथ भी अब वो जा सकती हैं। अंजलि जैन लव जिहाद का रूप दिया गया था, ये दरअसल अंजलि जैन का कहना है। अंजलि जैन ने इब्राहिम खान से शादी की थी और अंजलि जैन के पिता ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंजलि को अपने पास रखने के लिए यह केस लगाया था। सखी सेंटर में काफी लंबे वक्त से, उससे पहले का मामला आपको बताते हैं, जब पहले शादी की थी उसके बाद जब मामला सामने आया तब अंजलि जैन अपने परिवार के साथ गई थी, लेकिन फिर अंजलि जैन ने यह आरोप लगाया कि मेरा परिवार मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है और उसके बाद पुलिस के इंटरफेयर के बाद सखी सेंटर लाया गया था अंजलि जैन को। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, अंजलि जैन भी साथ में हैं। आदित्य, अब क्योंकि अंजलि जैन सखी सेंटर से बाहर आ रही हैं, यानी एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नई दुनिया की शुरुआत, अगला कदम क्या होने वाला है अंजलि जैन का? आपके साथ ही हैं, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ अंजलि भी हैं और इब्राहिम भी मेरे साथ हैं, दोनों मेरे साथ हैं। मैं उनसे सीधे तौर पर बात करता हूं। देखिए दोनों को, पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको इब्राहिम। धन्यवाद। लगभग 8 महीने का लंबा संघर्ष रहा सखी सेंटर में अंजलि जी, जितने बार मुलाकात हुई हर बार आपने यही कहा कि कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारी आपने। क्या हुआ था पूरा प्रकरण और अब किस तरह इब्राहिम के साथ आगे जीवन अपना बिताएंगे? 19 महीने से ये लड़ाई चल रही है, केस चल रहा है और अब आज ख़त्म हुआ है और 8 महीनों से सखी सेंटर में कैद थी। फाइनली आज़ादी मिली है। अब यही है कि आगे अच्छे से हम दोनों अपना लाइफ स्टार्ट करेंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह आप भी गईं, पिताजी भी आपके गए, कहीं ना कहीं वो चाहते थे बेटी वापस आ जाए। क्या हुआ, क्या था, क्या बात नहीं बन पा रही थी? मैंने जिनसे शादी की वो मुसलमान है और ऐसा है कि पापा ये सोचते हैं कि वो मुसलमान है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को, तो इसलिए हम लोगों को एक साथ भी नहीं आने दे रहे। अब्राहिम जी, मुश्किल था यहाँ तक आ पाएंगे ऐसा लग रहा था? नहीं नहीं, हमें पूरा भरोसा था इस चीज़ पे कि समय लगेगा लेकिन जीत हमारी होगी ज़रूर, हम दोनों साथ होंगे। ये नहीं उम्मीद थी कि 18-19 महीने लग जाएंगे ये सब लड़ते लड़ते, और इन सब के पीछे अंजलि को इतना कुछ सहना पड़ जाएगा इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और ये होना भी नहीं था। उनके पिता ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि आपने नाम बदल के शादी की, उसके पहले आपके ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाए, क्या था ये पूरा प्रकरण? जी एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ उनको ईगो था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी एक लव मैरिज करी, वो भी बचपन से जिस धर्म से उनको मतलब दूर रखने की कोशिश की गई उस धर्म के इंसान से, वो शुरू से एक ही चीज़ लव जिहाद का नाम दे के इसको ख़राब करने की कोशिश, और अंजलि को भी उन्होंने समझने की कोशिश कभी की नहीं, उसको भी दवाइयाँ खिला के उसको मानसिक रोगी ही बनाने की कोशिश की। अगर चाहते तो चीजें इतनी खराब नहीं होती अगर वो अंजलि के साथ बैठ के आते, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, अंजलि की जुबानी ही जानना चाहेंगे। तो अकेले कभी नहीं आए, वो 4-6 लोग को लेके आते थे और लोगों के बीच मतलब उसको बैठाया करते थे। कितनी सच्चाई है इस बात पे जो आरोप लगातार पिता आपके लगाते रहे इब्राहिम के ऊपर, आपके ऊपर? थोड़ी भी नहीं है, थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं, क्योंकि वो शुरू से झूठी फैलाते आ रहे हैं और सारी झूठी बातें ही फैला रहे हैं। इनको भी झूठे केस पे ही अंदर करवा दिए थे और मुझे तो पूरी तरह से, वो हर जगह यही बोल रहे हैं कि मेरी बेटी मानसिक रूप से पागल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो घर पे भी वो जिस तरीके से मेरे साथ जो भी कर सकते थे, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान, हर टाइप से परेशान किया उन्होंने, और घर पे भी खाने पीने में दवाई देके मिला के खिलाया करते थे, पानी हो चाय हो हर चीज़ में, वो कहीं भी है कोई कसर नहीं छोड़े थे हम दोनों को अलग करने के लिए। नहीं, लेकिन आदित्य, एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, क्योंकि अंजलि ने इतना वक्त अपने पिता के साथ बिताया है, क्या अचानक से उनके पिता के व्यवहार में बदलाव आया था या शुरू से ही ऐसे रहे हैं वो? पूरा भरोसा है
अंजलि जी, बहुत स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, सवाल है कि एक पिता के लिए अपनी बेटी सब कुछ होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। शुरू से उनका व्यवहार ऐसा था कि इब्राहिम वाला जब मामला सामने आया उसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव दिखा आपको? शुरू से ही था, थोड़े से वो उनका नेचर ही ऐसा था कि वो ये लव मैरिज वाली चीज़ों से नहीं मानते थे। मतलब वो हर चीज़ के ऊपर रोक लगाते थे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। और इब्राहिम जब से आए उनको पता चला उसके बाद से तो वो और ज़्यादा ही एकदम ऐसे हो गए। अभी क्या कहना चाहती हैं अपने पिताजी के लिए, कुछ कहना चाहती हैं? यही कि बस अब अपना आशीर्वाद दें और चीज़ों को ख़त्म करें, मान ले इस चीज़ को, एक्सेप्ट कर ले कि मैं अपना लाइफ शुरू करने के लिए मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं आएगा। आदित्य, सवाल ये भी है कि जब पिता इस तरह की हरकत करते थे तो जो और परिजन थे, जो परिवार में और सदस्य हैं, उनका इंटरफेयर क्या नहीं होता था? या अगर पिता गलत कर रहे हैं तो क्या उन्होंने उनको किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया? पिता जब इस प्रकार की चीज़ें करते थे, परिवार में और कोई नहीं था जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता, क्योंकि बहुत आगे तक निकल कर आना पड़ा, परिवार की भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई, पूरे छत्तीसगढ़ में मामले ने तूल पकड़ा। कोई और समझाने वाला नहीं था पिता को कि क्या सही और क्या गलत? मैं जब तक मेरे सामने का था तब तक तो ऐसा था कि कोई भी नहीं था जो उन्हें समझाए। हर कोई जो आता था मुझे ही समझाता था, हर चीज़ मुझे ही बोला जाता था। मैं लोगों को, जो लोग मेरे पास आते भी थे, कई बार उनको भी बोली कि मेरे पापा को समझाया जाए। इवन सखी सेंटर में भी थी तो कई बार उनको समझाने की खुद भी कोशिश की कि मान जाए वो, पर वो नहीं मानना चाहते इस बात को। वो चाहते ही नहीं कि हम दोनों साथ में। आदित्य ये भी समझना चाहेंगे आखिर वो रास्ता क्या रहा, क्योंकि मुश्किलों भरा रास्ता रहा है आदित्य अंजलि का। किस तरीके से सखी सेंटर में वो पहुंची, किस तरीके से क्या कुछ हुआ था, वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे अंजलि की जुबानी। बिल्कुल, सखी सेंटर कैसे पहुंची थी अंजलि, फिर से याद करिए वो पूरा चीज, क्योंकि सखी सेंटर में भी 8 महीने का लंबा समय आपने बिताया। क्या हुआ था जिसके बाद सखी सेंटर में आपको भेजा गया था? सुप्रीम कोर्ट के बाद जब मैं घर चले गई थी तो वहाँ 8-9 महीना घर में बहुत टॉर्चर हुआ, मारना पीटना। कुछ भी सुन के आते थे तो मारते पीटते थे, दवाइयाँ खिलाते थे, 3 बार पागल खाने भेज चुके हैं। फिर मैं नहीं रहा गया, मेरे फिर मौका मिला तो मैंने रायपुर डीजीपी सर को कॉल किया 17 मार्च को, उनको सारी चीज़ें बताई। उन्होंने पुलिस का टीम रेस्क्यू करने के लिए घर भेजा, वहां से मुझे रेस्क्यू करके धमतरी के सखी सेंटर में रखा गया। मैं वहां 2 दिन तक थी, पर वहां पे भी हिंदू संगठन समाज वालों का इतना प्रेशर था कि मुझे रायपुर के सखी सेंटर लाया गया। फिर रायपुर सखी सेंटर आने के बाद यहाँ 8 महीने से यहीं पे थी। सखी सेंटर में भी कई बार आप मिलने की कोशिश की इब्राहिम से, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता था। क्या होता था उस समय, वहाँ भी पिता आते थे, वहाँ भी तमाम चीज़ें होती थी? वहाँ पे भी बहुत परेशानी हुई, मिलने नहीं देते थे, हमेशा ये बोल देते थे आदेश लेके आओ। इब्राहिम से अब जब से इब्राहिम आ रहे थे तो उनको भी कलेक्टर से आदेश लेके आना पड़ता था। एक हस्बैंड को भी आदेश लग रहा है अपनी वाइफ से मिलने के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या? मालिक हैं आप उसके बाद भी? मैं बालिग हूँ, पर मुझे ऐसे ही करा जा रहा था जैसे मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, मुझे बस एक वस्तु बना दिया गया था, जबकि मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी पूरा अधिकार है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का, अपने हिसाब से रहने का, जीने का। पर मुझे तो एकदम ऐसा कैदी की तरह बना दिया गया था कि बस कुछ बचा ही नहीं था। आदित्य, क्योंकि अंजलि लगातार ये बोलती रही है, किस तरह से आगे ध्यान रखेंगे उसका? जी बिल्कुल, हम ये तो मेरी जिम्मेदारी है भाई हर चीज़ों को सही तरीके से रखने का। और वो जो अपनी लाइफ में करना चाहेगी, पढ़ाई करना चाहे, काम करना चाहे, सब चीज़ की उसकी स्वतंत्रता रहेगी और कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा उसको, जो करना है वो कर सकती है अपनी। सारा जी कोई सवाल लेना चाहते हैं? जी आदित्य, मेरा सवाल यही है कि अंजलि लगातार यही बोल रही हैं कि पिता से उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वो बोल रही हैं कि पिता से उनकी जान को खतरा है, तो क्या किसी तरह की पुलिस प्रोटेक्शन उनको दी जा रही है, और इस बारे में खुद अंजलि का क्या कहना है? अभी भी आपने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पिता से जान को आपको खतरा है, क्या प्रोटेक्शन की कोई मांग कर रहे हैं या पुलिस से?
बोले तो हैं पुलिस से कि थोड़ा अब थोड़े दिन तक प्रोटेक्शन के लिए, और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर, जब इतना बड़ा चीज देख के आई हूँ, ऐसा ऐसा चीजें फेस की हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है मन में कि आगे भी कुछ कर ना दे करके। कभी डर लग रहा है इस बात का अभी भी आप? जी मुझे अंजलि को लेकर डर है, क्योंकि जब उसके पिता उसको 8 महीने तक कैदी बना के रख सकते हैं, कि करके साथ साथ केसेस उसके ऊपर मेरे ऊपर लगा के, और हर चीज़ मतलब केसेस मेरे ऊपर लग रहे हैं, लेकिन आज़ाद उसे नहीं होने दिया जा रहा, उसे कैदी बना के रखे, तो कोई भी अगर उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अंजलि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और ताकि उसे मतलब मेरे साथ ना रह सके, इसके लिए मुझे सिर्फ इस चीज का डर है कि एक पिता ही अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा। जी आदित्य, अगला कदम इब्राहिम का क्या होगा, क्योंकि अब तो ये प्यार जो है उनको, उसको सफलता मिल गई है, दोनों एक साथ आ गए हैं, लेकिन चुनौती कम नहीं हुई है इब्राहिम के लिए? माहौल हो गया है तो उस हिसाब को देखते हुए थोड़ा दिन के लिए प्रोटेक्शन तो दी जाएगी। जी चुनौतियाँ कम अभी भी नहीं है, अंजलि के पूरा दारोमदार आपके ऊपर है, अब अगला कदम क्या? चुनौतियाँ तो कम नहीं है, ठीक है, और अब शुरू करेंगे अपनी सोशल लाइफ धीरे से। पिछले 18-19 महीने से हम लड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना यकीन है और उम्मीद भी है कि सब चीज़ बहुत जल्द अब शांत हो जाएंगी और अच्छे से हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। दोनों मिलकर कोई काम शुरू करेंगे ऐसा लग रहा है? जी मैं तो इवेंट्स का काम करता ही हूँ और मैं वही करूँगा, और अंजलि जो अपना काम जो जानती है और करती भी आई थी, धमतरी में भी अपना काम करती थी, वैसा ये कहाँ कर सकती है। आदित्य थोड़ा अंजलि के बारे में भी जानना चाहेंगे, उन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की है, कैसा उनका बचपन बीता है? चीजें बना के ऑनलाइन करती थी, अब उसको और थोड़े बड़े लेवल पे करूंगी। ठीक है अंजलि जी, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए, कहाँ आपने पढ़ाई की, बचपन कैसा बीता, बचपन के बाद क्या किया आपने, कैसे मुलाकात हुई इब्राहिम से, पूरा डिटेल। बचपन मेरा धमतरी से ही हुआ है हर कुछ, स्कूल भी धमतरी में ही, मैनोनाइट इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हूँ, और उसके बाद जेनेसिस कॉलेज धमतरी में ही पढ़ी हूँ, वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। कैसे मुलाकात? इवेंट के दौरान, हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते थे जहाँ पे जिसका ऑर्डर इन्हीं दिया जाता था, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी। और फिर होते होते फिर हम लोगों ने शादी का डिसीजन लिया। कॉलेज में मुलाकात हुई थी मतलब? जी। तो ये पिताजी को पहले बताया कि शादी होने के बाद पता चला? शादी के बाद पिछले साल ही पता चला उनको, वो भी कहीं बाहर से। हमने सोचा था कि खुद बताएंगे, खुद उनको मनाएंगे, तो पर वो बाहर से ही पता चल गया और चीजें पूरी खराब हो गई और ये सब हो गया। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी बहन है छोटी, मम्मी पापा, और ऐसे तो जॉइंट फैमिली है पूरी, पर अलग रहते हैं सब। तो पिताजी क्या काम करते हैं? पापा का मेडिकल है होलसेल का, और अलग से भाइयों की भी दुकान। मम्मी ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहा यहाँ कहा तो यही जाता है कि जो बेटी है माँ के करीब होती है, और क्या जब ऐसा सब कुछ हो रहा था, कैसे एक माँ जो है अपनी बेटी को इस तरीके से तकलीफ में देख सकती है, माँ का इस पर क्या कहना था? माता जी ने कभी कोशिश नहीं की कि अंजलि तकलीफ में है, मुश्किल में है, कोई बीच का मैं रास्ता निकालूं, क्योंकि वो परिवार को तो ये बात पता चली गई थी कि आप इब्राहिम को छोड़ नहीं सकती, निश्चित तौर पर शुरू से नजर आ रहा है, क्या माँ ने कोई बीच का रास्ता नहीं चुना कभी? घर तरफ से कोई मेरे साथ था ही नहीं, जो भी था सब मुझे ही गलत समझते थे कि मैंने गलत किया है, उसी चीज के ताने मिल देते थे, और मम्मी की तरफ से भी नहीं था, जो एक माँ का होता है वो कभी था नहीं। साथ नहीं मिला माँ कभी? कभी नहीं। उम्मीद थी कि मम्मी भी साथ देगी, पर मम्मी भी नहीं साथ दी, पर अब ठीक है, जो हुआ वो लोग एक्सेप्ट कर ले। मैं उनकी बदनामी नहीं करना चाहती थी कुछ नहीं, पर पापा ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, शायद ये मामला अगर प्यार से सुलझाया जाता, बैठ के बातचीत करके, तो ये इतना बड़ा मैटर भी नहीं बनता और किसी की बदनामी भी। क्या कहना चाहेंगे जो लव जिहाद की बात करते हैं, एक आखिरी कमेंट आदित्य दोनों से, इब्राहिम और अंजलि से? लव जिहाद की जो बात करते हैं लोग, प्रेम को कहीं से कहीं लेकर जाया जा रहा है, उस विषय पर क्या कहेंगे आप आम जनता से और लोगों से? लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ ये भटकाने के लिए, वो जिनको पॉलिटिक्स करना है या फोटो खिंचानी है वही लोग करते हैं, और कुछ नहीं है। जैसे लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, और समाज को
खराब करने की ही गंदगी करी जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ से बेटर स्टेट या बेटर जगह हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। अंजलि, अंजलि का क्या कहना है? यहाँ भी अब ये गंदगी फैला के मामले को, मतलब छोटी सी शादी को एक पूल बना के माहौल खराब करने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे अंजलि जी? लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं है, बस वो एक नाम दे दिया गया है। हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की शादी करते हैं तो वो लव जिहाद हो गया, ऐसा करके फैला दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्यार को लव जिहाद का नाम देना गलत है, नहीं देना चाहिए इसे। शुक्रिया आदित्य बहुत आपका। प्यार को लव जिहाद का नाम देना गलत है, ये कहना है अंजलि का और इब्राहिम का भी।